अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं और उसके लिए वीजा का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। अमेरिका ने हाल ही में कथित तौर पर भारतीय प्रवासियों को ध्यान में रखते हुए इमिग्रेशन सर्विसेज यानी आव्रजन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे ग्रीन कार्ड की बाढ़ जो रहे हजारों भारतीयों को राहत मिलेगी। दरअसल अमेरिका ने घोषणा की है कि वह कुछ गैर अप्रवासी श्रेणियों को 5 साल तक के लिए रोजगार प्राधिकरण कार्ड प्रदान करेगा, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों को सहूलियत होगी। भारत से अमेरिका जाना बहुत सारे इंजीनियर्स का सपना होता है। भारत से अमेरिका जाने के लिए उनको बहुत ही कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और कई सारे नियम कायदों का भी पालन करना होता है। अमेरिका की कंपनियों से एक बार नौकरी के लिए ऑफर लेटर मिलने के बाद सबसे बड़ी प्रक्रिया ग्रीन कार्ड पाने की होती है। इस प्रक्रिया में लोगों को बहुत सारी जांच और इंटरव्यू से गुजरना होता है। अभी तक अमेरिका सिर्फ 3 साल तक के लिए ही ऐसे वीजा जारी करता था जिनको 3 साल बाद रिन्यू कराना होता था, लेकिन अब यह नियम बदल गए हैं। यूएस ने इनकी संख्या बढ़ाते हुए कहा है कि अब यह सुविधा एक बार सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 सालों तक के लिए मिलेगी। इस प्रक्रिया के बढ़ने से अमेरिका के इस विभाग पर भी असर पड़ेगा। उनके पास हर महीने लाखों एप्लीकेशन आते हैं जिनके निस्तारण में काफी समय लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नियम के लागू होने से उनके काम पर 20% बोझ कम हो जाएगा। बता दें कि ग्रीन कार्ड अमेरिकी सरकार का आधिकारिक निवासी कार्ड है। अमेरिका दुनिया के कई देशों को अस्थायी रूप से अप्रवासी कार्ड जारी करता है। इस कार्ड के जरिए आप अमेरिका में कई सालों तक रह सकते हैं। भारत से अमेरिका में इस कार्ड को हासिल करने के लिए 11 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दिया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजिटल खबरें लाल।